नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। बिहार सरकार ने कोविड-19 की जांच करने वाले लैब टेक्नीशियनों को नौकरी से हटाया। सैकड़ों परिवार होंगे भूखमरी के शिकार। आपको बताते चले कि वर्ष 19 में कोरोना के मरीज की संख्या बढ़ने पर कोरोना जांच करने के लिए लैब टेक्नीशियनों की बहाली जुलाई 2020 में बिहार सरकार ने किया। इसके एवज में प्रति माह उन्हें 12,000 रुपया देती थी। लगभग 3.5 वर्ष नौकरी करने के बाद अचानक पत्र निकालकर उनको काम से हटाने का निर्देश दे दिया। इसको लेकर के लैब टेक्नीशियनों में आक्रोश है और बुधवार को उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। आइए देखते हैं क्या कहते हैं लैब टेक्नीशियन। हम लोग सिवान जिला से कोविड-19 LTE 28 आदमी हम लोग काम करते हैं। जुलाई 2020 से हम लोग की बहाली की प्रक्रिया चालू हुई। लगभग 2 महीने में 28 लोगों की बहाली हुई है। लगातार हम लोग काम करते आ रहे हैं और मात्र 12,000 रुपये के मानदेय पर बिना किसी छुट्टी के लगातार 3.5 साल से हम लोग काम करते आ रहे हैं। और कल रात में अचानक बिहार सरकार ने लेकर निकाला कि आप लोगों को काम बंद कर देना है, जिसके चलते सभी लोग दुखे हुए हैं। सभी लोग बहुत दुखी हैं सरकार के अमानवीय रवैया से, और इस तरह का अमानवीय रवैया सरकार का जो है हम लोगों के लिए बहुत तकलीफ का कारण है। 28 आदमी का परिवार इससे चलता था, जो कि सभी लोग जुटे हुए हैं।